सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं भोपाल सिंह बसी गांव में, वार्ड नंबर 2, जिला परिषद का चुनाव अपने चरम पर है। आज हम जानने की यहां के लोगों से कोशिश करेंगे कि किसकी विजय होने वाली है, किसको विजय करेंगे, किसकी हार करेंगे। अब हम जानेंगे इस गाँव में कौन कहाँ मिलता है, उससे तसल्ली करेंगे कि किसको मतदान करेंगे। खबरी जिंदाबाद, आइए प्रकाश खबरी जिंदाबाद, आइए प्रकाश खबरी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो चुके हैं बसई गांव की चौपाल के ऊपर। यहां पर कुछ ग्रामीण मिले हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किसको मतदान अपना करने जा रहे हैं वार्ड नंबर 2 में, जिला परिषद चुनाव में। बाबा किसको वोट दे रहे हो? वोट दे रहे खबरी लाल को। खबरी को? और किसी को क्यों नहीं दे रहे? क्यों? कांग्रेस पार्टी का भी खड़ा है कैंडिडेट, तो खड़ा रहने दो ना। तो कांग्रेस को नहीं दे रहे हो? आप किसको वोट दे रहे हो? बहुत बढ़िया भाई, एक प्रकार खबरी कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों नहीं दे रहे? कांग्रेस को तो हाल बुरा है, कल से तो लाइट नहीं आ रही। अच्छा, कल से लाइट भी नहीं आ रही? लाइट भी नहीं आ रही, 30 घंटे लाइट नहीं थी। अच्छा, क्या वोट दोगे? तो इस वजह से आप नहीं दोगे? तो लेने वाला ही नहीं है, लेने वाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश खबरी को, वेद प्रकाश खबरी को। और किसी पार्टी को क्यों नहीं दे रहे हो? पार्टी और कांग्रेस से बीजेपी से हमें कोई मतलब नहीं। वेद प्रकाश खबरी हमारी जमीन में है, वो हमसे जुड़े हुए थे और हमारे भाई है, उनको भी वोट करेंगे। और उनको भाई वेद प्रकाश खबरी जिंदाबाद। भाई हम वोट देंगे वेद प्रकाश खबरी को, वो हमारा भाई है, हम उसके साथ है। टिकट मिलो या ना मिलो, लेकिन हम भाई के साथ है, साथ रहेंगे। भाई वेद प्रकाश खबरी जिंदाबाद। आप किसको वोट दे रहे हो? भाई से वेद प्रकाश खबरी जी को, हमारा भाई है, हमारा सहमत आदमी है, हमारे गांव पर मोदी जी है, हम वोट देंगे भाई खबरी को। अब क्या आपका पूरा नाम देगा वोट? बिल्कुल पूरा, भाई का एक बार चुनाव से ना जाने दो, फिर भाई की रैली काटेंगे। यंग है और नौजवान गांव में ऊपर दाब समाज पक्ष में पूरा गांव भाई भाई खबरी को कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी सर हमारे गांव में नहीं, हम कांग्रेस का प्रभाव नहीं, बीजेपी का अंदर 3 दिन में सिर्फ जमींदार लोग सब परेशान हो, लाइट नहीं आ रही, बच्चे छोटे सब परेशान, स्कूल परेशान, कांग्रेस पार्टी है और बिजली बिल इतना महंगा हो रहा है, बहुत ज्यादा। कांग्रेस पार्टी आने के बाद हमारा राजस्थान अंदर तो हमारा एक सबका यूथ क्लब है, सभी का वोट है। अभी आपने लोगों से सुना कि हम वेद प्रकाश खबरी को देंगे वोट। अभी अगले गांव में जाने की कोशिश करेंगे, हम अगले गांव से भी हम आपको दिखाएंगे। गिलोट गांव का हमारा प्रोग्राम रहेगा। अभी हम पहुंच चुके हैं गिलोट गांव के स्टैंड के ऊपर, ये मार्केट है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे इन मार्केट वासियों का किसकी तरफ रुझान है जिला पार्षद चुनाव में, वार्ड नंबर 2 में पड़ता है गिलोट गांव। अब जानने की कोशिश करेंगे हम मार्केट का रुझान किस तरफ जा रहा है। अभी जिला पार्षद का जो चुनाव चल रहा है, इसमें एक कांग्रेस से प्रत्याशी और एक निर्दलीय है, तो आप वोट किसको देना चाहेंगे? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को क्यों देना चाहेंगे? कांग्रेस ने देश के लिए सेवा की है, सब कुछ किया है, एक आम आदमी को बोलने का अधिकार दिया है कांग्रेस ने, तो वोट देना चाहेंगे। हाँ कांग्रेस। माहौल देख कर भाजपा को, भाजपा का तो कैंडिडेट ही नहीं है, तो निर्दलीय है खबरी, भाजपा का ही है। अच्छा, खबरी को वोट देंगे? खबरी को क्यों देना चाहेंगे? भाजपा का है, भाजपा का है। भाई खबरी जाएगा प्रदेश में, बिल्कुल फुल सपोर्ट है कांग्रेस से। हाँ मतलब यहाँ पे है तो टिकट नहीं मिली भाई को, और आप निर्दलीय लड़ रहा है भाई चुनाव, उसको फुल सपोर्ट है यहाँ गांव में, फुल कोई दिक्कत नहीं। विधायक साहब ने उनकी टिकट काट दी, तुम निराश हो गए हो, तुम निर्दलीय पर्चा भरा था तो उसकी जमानत बचाई, बच्चे नहीं बोलो, दूसरों भगा दिया था पार्टी ने, बहुत बुरी हालत।
तो वेद प्रकाश खबरी को देना था। हाँ जी, वेद प्रकाश खबरी के बहुत ज्यादा कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है। कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं, कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं, इस तरीके से नहीं बता। कुछ नहीं बेटा, कुछ क्या करवा रही कांग्रेस बताओ फिलहाल, क्या किया मांग रोड पर, क्या बड़ा सारा लोग ये किसान भटक रखे हैं, बुरी हालात कर दी गाँव। ये मुद्दा रहेगा किसानों वाला? हाँ, मुद्दा ये देख लो आपके सामने क्या हालात हो रही है। कांग्रेस को बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम विकास करा रहे हैं, 2 लाख की पेड़ किसान देने की जितना जब जी आज तक ना मिले, अब तक नहीं मिले, 15 लाख मोदी कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा है। आप किसको देना चाहेंगे? आपका नहीं है वार्ड, खबरी को देंगे भाई, वेद प्रकाश खबरी, वेद प्रकाश खबरी, और वो ही जाएगा आर पार। कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा है, कांग्रेस कुछ नहीं है, नहीं छोड़ दोस्तों, देना चाहेंगे खबरी लाल को, बिना उसे उसको वेद प्रकाश को, वेद प्रकाश, वेद प्रकाश कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा है। नहीं, हम तो वेद प्रकाश को। आप किसको देना चाहेंगे? किसको दोगे? जिला पार्षद चुनाव में देखो, वैसे बीजेपी के हम कार्यकर्ता है, बीजेपी के सपोर्टर है, बीजेपी के वोटर है, लेकिन अब जो जिस कार्यकर्ता को बीजेपी सपोर्ट करे, जिस कैंडिडेट को सपोर्ट करे, बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करे, कांग्रेस को नहीं करे, निर्दलीय को खबरी है तो खबरी को वोट दिया, खबरी को वोट देना चाहेंगे। वार्ड नंबर 2, आप किसको वोट देना चाहेंगे? 2 कैंडिडेट है, टाइम क्या बताया गया, कांग्रेस से एक निर्दलीय है, कोई निश्चित नहीं है। तो अभी आपने मार्केट का हाल देखा कि वेद प्रकाश खबरी, 1-2 कैंडिडेट मिले जो उन्होंने कांग्रेस को भी सपोर्ट किया है, तो ये समझो कि आपने बसई गांव से भी देखा वेद प्रकाश खबरी, गिलोट गांव से भी सुना कि वेद प्रकाश खबरी को वोट देना चाहिए। बीजेपी का कोई प्रत्याशी नहीं है, फोरम रिजेक्ट हो चुका है, अभी देखना है कि किसकी विजय होती है, देखते। आज हम पहुंचे गिलोट गांव और बसई गांव में, वार्ड नंबर 2 में जिला पार्षद का सर्वे किया है। जिला पार्षद के सर्वे में जो कि हमें मैसेज मिला लोगों से, वोटरों से जो मैसेज मिला है, एक तो हमने मार्केट का सर्वे किया है, गिलोट गांव की मार्केट का स्टैंड का सर्वे किया है, और एक बसई गांव का किया है। तो बसई गांव में भी युवाओं की एक ही आवाज़ थी कि वेद प्रकाश खबरी। अभी मार्केट का सर्वे किया तो मार्केट में भी एक ही आवाज़ मिली, वेद प्रकाश खबरी। जहाँ तक लग रहा है मेरे को, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वेद प्रकाश खबरी ही पार है, जो कि कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है वार्ड नंबर 2 में। अभी देखा जाए कि जो कि बीजेपी का वोट बैंक है, चूँकि वो बीजेपी का वोट बैंक भी निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को वोट नहीं देंगे बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी के लोग भी हमें मिले, तो बीजेपी के लोगों से भी हमने पूछने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि निर्दलीय को वोट देंगे। तो जहां तक लग रहा है कि वेद प्रकाश खबरी वार्ड नंबर 2 में सीट निकालने में सक्षम रहेंगे, देखते रहिए। हमारी है एक रिपोर्ट, निमराणा अलवर, हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे, मैं हरिओम सिंह चौहान, विवेक चौहान के साथ।